Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing really well and great in your lives. So yes, you can see my new hair. I'm so excited to मैंने वीडियो भी डाली है और प्रॉपर जिसमें मैंने हेयर कट लिया था, सो यू गाइस कैन चेक दैट आउट एज वेल. एंड सो या बट ठीक है, उस वक्त थोड़े से मैंने ज़्यादा लाइक प्रॉपर अच्छे से स्टाइल नहीं किया था, ब्लो ड्राई वगैरह नहीं किया था. और तो आज मैंने अच्छे से ब्लो ड्राई वगैरह किया है एंड आई होप एंड आई थिंक दे लुक सो क्यूट. मतलब आपको कैसे लगे मेरे न्यू हेयर कट, न्यू कट और न्यू लुक, तो मुझे कॉमेंट में लाजमी बताएगा. एंड सो या आई वुड लव टू सी योर कॉमेंट. और मुझे बहुत अच्छा लगता है वैसे कॉमेंट्स पढ़ना और उनको रिप्लाई करना. और खैर, लेकिन जहाँ पर अच्छे कॉमेंट्स होते हैं वहाँ पर जो है ना वो नेगेटिव कॉमेंट्स भी बहुत होते हैं. बट खैर, इट्स ओके, यू नो आई डोंट वांट टू हर्ट माई सेल्फ, यू नो लाइक लुकिंग एट दोज बैड कॉमेंट्स, यू नो. बट है एनी वेज, आज मौसम बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा जो है ना आज हसीन मौसम है. और ठंड जो है वो है, और बट ये कि मैंने इसी वजह से जो है ना आपको दिख रहा होगा मैंने डबल जो है ना लेयरिंग की है, टर्टल नेक एंड देन मैंने जंपर जो है वो पहना उसके ऊपर. एंड ऑल्सो आई हैव यू नो लाइक गॉट माई जैकेट विथ मी इफ इन केस आई वुड नीड दैट. सो या है, तो इसके अलावा जो है अभी हम कहाँ जा रहे हैं, अभी आज वीकेंड है एंड बस निकले हैं कुछ छोटे छोटे काम करने हैं. और वैसे जो मेजर काम है वो हमारा जो है वो मीट लेना है और हलाल शॉप से वहाँ पर जा रहे हैं. एंड विल शो यू गाइस एज वेल. और कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी सी जो मुझे जो है वो नॉर्मल स्टोर से तो नहीं मिलती हैं, बट आई थिंक आई विल चेक दैट आउट. और लास्ट टाइम जो है जिस स्टोर पे हम लोग गए थे, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट स्टोर, द दुनिया स्टोर, इट इज़ अ बिगर वन, ठीक है. और वहाँ पर आपको इंडियन, पाकिस्तानी, यू नो हलाल फूड आपको अवेलेबल होता है, ठीक है. और तो हम वहाँ पर चेक करूँगी मैं, अगर मुझे मिलता है तो आई थिंक मिल जाएगा. खैर बाकी ये कि दिस इज़ अ प्लान. और उसके अलावा जो है वो हो सकता है वी माइट गो टू चाय वाला, वी माइट, राइट, लेट्स सी. खैर बाकी मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रहा है वैसे आज, और बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है एंड या तो उसका भी प्रॉपर इंतज़ाम है भाई. तो खैर ये सीन है. और इसके अलावा जो है और मैं क्या बात कर रही थी, ये बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा. ये देखें साथ में जो है ना क्यूट क्यूट नज़ारे भी आपको देखने को मिल रहे हैं. और अभी फॉल का वेदर है, और फॉल जो है ना इट्स वेरी लाइक आई फील लाइक कि बहुत ज़्यादा सैडनेस वाला वेदर होता है, बहुत जो है वो ग्लूमी सा जो है ना वो वेदर होता है. एंड इट ब्रिंग्स यू, इट मेक्स यू फील सैड, इफ दैट मेक्स सेंस, राइट. तो बट ये कि इसके साथ ही एक होप भी होती है कि आप यू नो द न्यू लीव्स विल ग्रो यू नो इन अ मंथ और टू, राइट. तो वो एक फिर स्प्रिंग की अपनी एक बहार होती है, उसकी अपनी ही एक खूबसूरती होती है. एंड यू नो ओ माय गॉड आई एम, खैर मुझे एक बात याद आ गई यहीं पे. और मतलब जब CBM में मेरी यूनिवर्सिटी, ठीक है, और जब हम लोग वहाँ पर होते थे ना, और मुझे वहाँ पर जो है ना स्प्रिंग सेमेस्टर वाज माय फेवरेट, क्योंकि वहाँ पर इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स होते थे ना हर गार्डन में, हर वहाँ पर इतनी क्यारियाँ, मतलब लाइक कि आपको हर तरफ जो है ना फ्लावर्स और प्रॉपर जो है ना वो फ्लावर्स होते थे, और वो प्रॉपर जो है उनकी जो मतलब लाइक प्रॉपर केयर की जाती थी वहाँ पर, और वो इतने खूबसूरत लग रहे होते थे, इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, इतने हसीन कलर, इतने हसीन, और मतलब देख कर ना आपको अल्लाह ताला की एक यू नो लाइक कुदरत से आप कहते हैं कि हाँ मतलब अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत कलर्स बनाए हैं, लाइक यू नो माय गॉड. बट फॉल की अपनी एक बात है, ठीक है, सैडनेस तो होती है, बट द थिंग इज़ के एक उम्मीद होती है, दिस इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट, यू नो एक उम्मीद होती है कि दे विल ग्रो एंड आफ्टर सम टाइम. तो
खैर किया. अभी सैड नहीं करना है मूड. सो आप मुझे अपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि मेरा जो है हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है, आई मीन हेयर कट कैसा लग रहा है. दिस काइंड ऑफ अ हेयर कट आई हैव टेकन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ. यस, लाइक स्कूल में तो था, मेरे बाल इतने ही होते थे ऑलमोस्ट, यू नो, और इससे थोड़े से जो है एक इंच लंबे होते थे, बट ये कि ऑलमोस्ट ऐसा ही कोई हेयर स्टाइल होता था, बिकॉज उस वक्त बढ़ते नहीं थे बाल, एक वो भी बात थी. और मुझे हमेशा से जो है स्ट्रेट बालों का शौक होता था बचपन में, लेकिन ना मेरे बाल जो है वो बहुत ज़्यादा कर लिए हैं. तो अभी तो खैर वो हेयर स्ट्रेटनर जो है वो ट्रीटमेंट लिया हुआ है, लास्ट ईयर लिया था, तो मैंने आपको बताया भी था लास्ट व्लॉग में. तो खैर, तो जिस वजह से जो है ना अब मेरे जो रियल बाल हैं वो कर्ली तो वो निकल रहे हैं, ठीक है, रूट से. तो मैंने सोचा कि चलो हेयर कट ले लेते हैं और थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा और थोड़ा सा यू नो लाइक एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा कि इफ दे लुक गुड ऑन मी. एंड एंड आई थिंक आई एम लविंग माई हेयर लिटरली, नॉट गोना लाई. और सो या, और मुझे जो है ना सोच रही हूँ कि मैं किसी दिन इनको ना कलर कर लूँ, बिकॉज मतलब किसी दिन क्या मतलब मैं सोच रही हूँ कि इनको जो है ना एक दो दिन में कलर कर लूँ, डाई कर लूँ, क्योंकि रूट्स जो है ना मेरे चेंज हो रहे हैं. सो या, खैर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. और अभी हम जो है ना उतरने वाले हैं और हमारा स्टॉप आ गया है, तो हम उतरेंगे, फिर बाकी की अपडेट आपको बाद में देती हूँ मैं. यहाँ पर हम आए हैं अभी अलनूर मदीना, फिर ये शॉप है यहाँ पे, ठीक है. और काफ़ी जो है ना आपको यहाँ पर काफ़ी क्या बहुत ही ज़्यादा जो है ना आपको ऑप्शंस मिलते हैं हलाल मीट के, एंड देर आर सो मेनी वेराइटीज़. लेकिन ये कि हम यहाँ से सिर्फ मीट लेते हैं, और ये मसालाज हैं, ये सारी फिश है, और ये सारे आपको स्पाइसेस मिलेंगे लाइक इंडियन, पाकिस्तानी, लाइक ओह माय गॉड, सो मैनी वेराइटीज़. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि भाई यहाँ पे एक्सपायरी जो है ना बंदा देख कर ले, क्योंकि यहाँ पर जो है ना चीज़ें जो है ना वो एक्सपायर निकली, ठीक है, इसलिए बंदा यहाँ पर देख ले एक बार. यहाँ पर जो है ना लॉट ऑफ ऑप्शन, यहाँ पर देसी ये दालें, हर तरह की दालें मिलेंगी आपको, और ये ठीक है, और ये हर तरह के पिकल्स यहाँ पर, और देसी चीज़ें एक यू कैन यू नेम इट एंड यू हैव इट. चार पांच चीज़ें लिए हैं, कुछ मीट लिए हैं, और तो खैर यहाँ पर मिठाई वगैरह भी मिल जाती है. वी आर नॉट टेकिंग एनी मिठाई, ठीक है, तो बस जो थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी वो ले ली हैं, अब नेक्स्ट स्टॉप पे चलते हैं. खैर सामान वगैरह कुछ चीज़ें जो लेनी थी वो तो ले ली हैं, बाकी अभी हम जो है अभी नेक्स्ट एक काम है और वो करके फिर स्वीट मार्ट जाएंगे. अभी खैर मीट वगैरह हमने ले लिया है, और कुछ जो है वो एक दो स्पाइसेस लेने थे, वो दो चार चीज़ें लेनी थी वो ले ली, बाकी अभी स्वीट मार्ट पे जाएंगे, वहाँ पर जो है होप सो वी कैन फाइंड पराठास ओवर देयर. एंड अभी हमें एक और काम है तो हम वहाँ जा रहे हैं, बस ये कि वो काम के बाद जो है स्वीट मार्ट जाएंगे, एंड देन उसके बाद विल हेड ऑफ टू मेरा ख्याल है कि शायद हम जाएं चाय वाला पे, और वहाँ से जो है वो चाय वगैरह पी के, तो देन विल हेड बैक टू होम. सो दिस इज़ दैट. और अच्छा ये जो है ना ये एरिया, इस एरिया में जो है ना मेरे हस्बैंड जो है वो पहले रहते थे, और मतलब जो पुराना घर था वहाँ पर, तो वो इस एरिया में था, ठीक है. और फिर जाहिर सी बात है जब मैं आई तो उन्होंने जो है वो घर छोड़ दिया, वो बस ये था. और फिर जाहिर सी बात है जब मैं आई तो फिर हमें जो है यहाँ पर तो खैर घर नहीं मिला, विच आई थिंक अ ग्रेट थिंग, बिकॉज आई डिडंट लाइक दिस प्लेस. और दिस वन इज़ अर्लीस्ट बिल्ट एरिया ऑफ ब्रिस्टल, तो काफ़ी ओल्ड सी वाइब आती है, और घर भी काफ़ी पुराने से हैं, और ये सीन है. बाकी ये के दिखाते हैं स्वीट मार्ट, इस तरह का यहाँ पे भी वेदर हो रहा है. अभी वैसे बारिश भी होके हटी थी, और हमें था कि यार बारिश होगी ना तो बस फिर तो पूरा काम ख़राब हो जाएगा. सो या, अब मैं थक गई हूँ बहुत, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे. अच्छा ये स्वीट मार्ट जो है ना
ये होलसेल है और आगे जो आएगा वो रिटेल वाला है, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंट आपको हर तरह की सब्ज़ी, हर तरह की वो सब्ज़ी जो आप पाकिस्तान में खाते हैं और इजीली आपको अवेलेबल होती है। वी फाउंड माई हस्बैंड फेवरेट कावा, ठीक है, एंड ही लव्स कावा, मतलब ही लव्स, या तो ये यहाँ पर हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसे आपको हर तरह की जो है ना यहाँ पे एक दालें मिलेंगी और ये मेरा ख्याल है मिक्स्ड लेंटल्स हैं, हलीम वगैरह के लिए शायद ये बेहतरीन रहती है। मैंने कभी बनाया नहीं है हलीम, बट ये के यस। और यहाँ पर हर तरह की चीज़ें हैं, हर तरह की पता नहीं क्या कौन कौन सी चीज़ें, मुझे तो कभी मैंने तो पहली बार देखी है ये टाइप की चीज़ें। तो भाई ये यहाँ पर जो है ना हर तरह का फ्लोर आपको मिलेगा, ये इफ़ यू कैन सी ये राइस हम लोग यूज़ करते हैं, वो लैला यूज़ करते हैं एंड लैला इज़ द बेस्ट, यू नो। और ये अच्छा ये ना हाफ कुक्ड मील होता है बेसिकली, आई मीन दिस इज़ इंडियन बट तो इस तरह से ये 2.5 pound का होता है। ये मेरा ख्याल है कि 1 serving है, ये 280 gram वो पैक के अंदर है। तो ऑब्वियसली इट डिपेंड्स आप कितनी कैलोरीज और कितनी जो है वो ग्राम्स आप 1 serving में ले सकते हैं, बट ईज़िली होता है कुक करने का जो तरीका है ना। तो अब इसमें हॉब में डाल दें, इट विल बी रेडी फॉर यू। माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। सो इसमें डिफरेंट आपको डिफरेंट करीज, डिफरेंट पंजाबी और पता नहीं कौन कौन सी जो है ना आपको डिफरेंट स्टाइल की ये मिलेंगी करीज, और यानी कि फुल ऑन देसी ये बिरयानी, वेज बिरयानी, मसाला राइस, आई डोंट नो क्या क्या है, मसालास, ये भी हुई हाफ, ये कुक्ड मील्स होते हैं, ये चाइनीज नेशनल के मसाले, ये सारे नेशनल के मसाले हैं इसमें, चपली कबाब और ये वो, ये अच्छा है लेकिन इसमें कितने हैं। ये हाफ के जी मीट का जो है ना 1 pack होता है, विच इज़ नॉट बैड बट अगेन इट विल कॉस्ट यू अ लॉट। यहाँ पर जो है ना आपको हर तरह की चीज़ें मिलेंगी, मतलब ये सारे जो है ना सेवरी आइटम्स हैं, नहीं सेवी नहीं सॉरी मिठाई की, ये काजू कतली और पता नहीं क्या दिस एंड दैट। और हाँ ये हमारा फेवरेट स्टॉप आ गया गोल गप्पों का, ठीक है। ये यहाँ पर जो है ना आपको समोसास, ये आपके जो है ना ये इंडियन स्नैक्स हैं, ये पराठास हैं और ये भी मोर पराठास हैं, जो हमें चाहिए ना वो नहीं है, ये सारे मेथी के पराठे और दूसरे पराठे। यहाँ पर जो है पापड़ों की और सेवी आइटम्स की जो है वो कलेक्शन है, बट वी गॉट दिस वन, मेरी गोल गप्पा लास्ट टाइम जो हमने ट्राई किया था वो डिफरेंट था, तो इस बार हमने ये वाला ले लिया और ना लेट्स सी ये वाले कैसे होते हैं। इंडियन ये भी है, ये डिफरेंट जो है ना ये मिठाइयाँ रखी हुई हैं सारी, ये मिठाइयाँ हैं। खैर हमने मिठाई नहीं लेनी इस दफ़ा, लास्ट टाइम ले ली थी, इस बार नहीं लेंगे। पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हैं बट ये कि यहाँ पर आपको जो है ना सब कुछ मिलेगा। और ये डिफरेंट जो है ना टीज रखी हुई हैं डिफरेंट, आई थिंक इसके अंदर जो है ना टर्किश भी है, ये तो पाकिस्तान में है, बाकी ये कॉफीज रखे हुए हैं। और पराठे लेने थे वो तो मिले नहीं, और मतलब जो हमें चाहिए वो यहाँ पे नहीं है, तो वो फिर हम देख लेंगे कहीं और से फिगर आउट कर लेंगे। तो बाकी ये है कि अभी बस निकले, बस अभी हम यहाँ से निकलेंगे और फिर आगे आपको अपडेट देते हैं। यहाँ पर बैठे हैं चाय वाला और ना ज़्यादा रश है आज, बहुत ही ज़्यादा रश है और लाइक नॉर्मल से तो बहुत ज़्यादा रश है, तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर अभी 4 बजे का टाइम हो रहा है शाम का और इतना अंधेरा हो रहा है ना घर, ऑलमोस्ट काफ़ी अंधेरा हो रहा है, डार्क होना स्टार्ट हो गया है। बस ये कि चाय पियेंगे और फिर चाय के बाद फिर हम घर के लिए होंगे। तो बस ये था आज का हमारा दिन, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट, एंड इफ यू न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। So stay tuned and Allah Hafiz. Bye bye.